कुरियर मैडम। नाम ये तो मेरा ही है। थैंक्स। तुमने नाम क्यों चेंज कर लिया? समझा नहीं। बस अच्छा लगा। ईएल का मतलब? ईएल का मतलब नेचर, जो मेरे कैरेक्टर पर सटीक बैठ रहा था इसीलिए। टाइम कितना जल्दी बीत जाता है। तो कैसा है वो आपका? एक्चुअली मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोल दिया था प्रशांत, मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थी। सच कहूं तो जिस तरह से तुम मेरा पीछा कर रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तब नहीं पता था कि तुमसे बचना कैसे है। मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम्हें हर्ट किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थैंक्स, कॉफी बहुत अच्छी थी। अब मुझे चलना चाहिए, डिलीवरीज बाकी हैं। कोई जरूरत हो तो कॉल करना, मैंने मेरे फोन नंबर चेंज नहीं किए। नहीं माँ, मेरा हो गया। एक और खा लो। माँ बहुत खा लिया मैंने, अब ले जाओ ना। तुम्हारे पास अभी तक मेरा नंबर था, मुझे लगा तुमने डिलीट कर दिया होगा। मैंने नंबर डिलीट नहीं किया, बस ब्लॉक कर दिया था। डिलीट क्यों नहीं किया था? पता नहीं, शायद तुम्हें काउंट करके रखा था, क्योंकि तुमने अपने प्यार का इजहार इतनी मासूमियत से किया था, और फिर मेरे ना बोलने के बाद तुमने कभी परेशान नहीं किया। सिर्फ मेरी एक साइड जानकर मेरी गिनती मासूमों में मत करो। हेलो, क्या तुम्हें अभी भी याद है? नॉट बैड। कुछ चीजें हमेशा याद रहती हैं। वो दिन, वो दो पन्ने और वो कम उम्र की लड़की। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? अ गिफ्ट टू माय सीक्रेट लवर। जब तुमने बुक पब्लिश की ना, तो मैंने सर्च करके उसे खरीदा और पढ़ा, क्योंकि मैं पूरी कहानी जानना चाहता था। क्या लिखा था तुमने? कमाल कर दिया। पता है, मेरा मानना है कि लाइफ में कोई ना कोई होना चाहिए। मासूम उम्र, दरअसल उस मासूम उम्र में कैसे बताऊं, सच्चा प्यार ही दुनिया की हर खुशी है। सही कहा ना? लेकिन सोचा नहीं था कि उस लड़की का प्यार उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करेगा। कम से कम उसे पर्सनली उस लड़के से मिलना चाहिए था। उस लड़के को तो कभी पता भी नहीं चल पाया कि ऐसी कोई लड़की है भी। उस बुक को पढ़ने के बाद ना, मुझे दो डाउट्स आए।
बता सकता हूँ? हाँ जरूर। उस लड़की के पास लड़के के लिए इतना महंगा मोबाइल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? इससे पता चलता है कि तुमने कहानी ठीक से नहीं पढ़ी। बहुत सारे सवालों के जवाब हमारी आंखों के सामने होते हैं। दुख इस बात का है कि हम नहीं जानते कि उन्हें पहचानना कैसे है। एक बार फिर से पढ़ो, खुद समझ जाओगे। जरूर, ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो क्या? मुझे ऑथर की साइंड कॉपी चाहिए। कोई इशू नहीं, मैं दे दूंगी तुम्हें। लव, सेक्स, इन दो चीजों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नो, लव, सेक्स, दो लोग जो इनके बीच के फर्क को नहीं जानते थे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, ऐसा माना जाता है कि बिना शर्त का प्यार ही वासना का परिणाम है, लेकिन मैं इसे सच नहीं मानती। प्यार में भावनाओं का समावेश होता है, लेकिन सेक्स में सिर्फ शरीर का। भावनाओं को शारीरिक जरूरतों से जोड़ना और शरीर को भावनाओं से जोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता है। प्रशांत, ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मेरे पास कोई नहीं है जिसे दिल की बात कह सकूं, बस 5 मिनट दो मुझे। क्या बात करनी है तुम्हें? यही ना कि मुझे माफ कर दो, अब मैं बदल चुकी हूँ, मुझे अकल आ चुकी है, प्लीज। पर हो तो तुम वैसा ही ना। क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हें पैसे देकर साथ में सो जाऊं? मैं वैसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें खुद से नफरत नहीं होती है क्या? हम तभी खाते हैं जब भूख लगती है, तभी सोते हैं जब नींद आती है। ये सब हमारी जरूरतों के हिसाब से तय होता है। अगर ये सिचुएशन की डिमांड थी तो सेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत नजरिया है। लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। प्रशांत ने मेरे प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की। क्या आपको लगता है कि अपनी संस्कृति भूल बैठी या चरित्रहीन लड़की किसी के प्यार में नहीं पड़ सकती? वर्जिनिटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है। पुरुषों के लिए वर्जिनिटी उनके दिल में होती है और महिलाओं के लिए उनके शरीर में। मिथुन, वो ऐसा इंसान है जो मेरी फिलॉसफी पर बिल्कुल सूट करता है। जब संस्कृति विहीन होने की बात आती है तो मुझे पीछे छोड़ देता है। हमारे बीच ना ज्यादा प्यार था और ना ही केमिस्ट्री, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कमाल की थी। लेकिन ये सब बाहरी दुनिया के लिए ही था, क्योंकि बेडरूम के अंदर he's a monster. Surprise! Let's do it again. No, please. इतना ज्यादा ठीक नहीं है। बहुत टाइम हो गया। तुम मेरी कंडीशन समझो, मैं अभी फिजिकली रेडी नहीं हूँ। प्लीज। ओके ओके ओके। प्लीज। फाइन फाइन। मैं ये नहीं करना चाहती। फाइन। देखो मुझे माफ कर दो। सब ठीक हो जाएगा, बेब। ठीक है। माफ कर दो मुझे, प्लीज। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। जो कुछ भी हो रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। ये वो बिल्कुल नहीं है जिसकी मैंने अपेक्षा की थी। वो मुझे चैन से कभी भी नहीं जीने देंगे। मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिसके साथ अपना दुख बांट सकूं। अरे पापा के कमरे से 5,000 रुपए गायब है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए वॉचमैन को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें शक है उसी ने चोरी की।
दीपा दीदी के बॉयफ्रेंड का तुम्हें कुछ पता है? वो बॉय नहीं, भाई है। वो हमसे 7 साल बड़े हैं। मैं उन्हें पसंद करती हूँ। क्या उनका फोन नंबर मिल सकता है? उनके पास फोन नहीं है। हाय, मेरा नाम अशोक है। मैं अविनाश से मिलने आया था, जो आपके अपार्टमेंट के सामने रहता है, पर उसका डोर बंद है। मुझे लगता है कि शायद वो घर पर नहीं है। क्या मैं आपके यहाँ उनके आने तक इंतजार कर सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? या श्योर, आ जाइए। थैंक यू। 21 दिसंबर को उनके बीच में दूरी आई। जैसे जैसे ये तारीख बढ़ेगी, वो नजदीक आते जाएंगे। इस नजरिए से अगर हम देखें, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। If you don't mind, क्योंकि उनकी दूरी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो जितना मुझे बहुत प्यास लगी, उतना ही उनको पानी मिलेगा। तो बहुत अच्छा होगा कि वो लोग दूर ही रहें, क्योंकि जितना पास में आएंगे उतना परेशानी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब भी मिलेंगे उनके बीच में झगड़ा होगा, और झगड़ा होने की वजह से उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होगी। तो जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि